कोरोना काल में शहर की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। एक ओर कोरोना का डर तो दूसरी ओर लॉकडाउन, ना ही खाना ना ही पानी। शहर के मेयो और मेडिकल अस्पताल में दाखिल कोरोना पेशेंट के परिजनों को भी इसका सामना करना पड़ा। अस्पताल में घर का व्यक्ति कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते भोजन नहीं मिल रहा था। ऐसे में शहर की एक युवा टीम सामने आई, नाम था नागपुर SOS। इस टीम ने लगातार 100 दिनों के ऊपर शहर के मेडिकल और मेयो में दाखिल कोरोना पेशेंट के परिजनों को सुबह का नाश्ता और दो समय का भोजन निशुल्क वितरित कर दी थी। इतना ही नहीं, लोगों की कोई भी समस्या हो SOS टीम ने उस समस्या का निवारण किया है। SOS टीम ने शहर के निजी अस्पतालों पर अपनी गाज गिराई। कारण था कोरोना पेशेंट से अधिक बिल वसूल करना। इसके लिए तो टीम के सदस्य बंटी शहर के अनशन पर भी बैठे थे। SOS टीम ने लोगों को दवाइयां देना, परिसर सैनिटाइज करना, ऐसे सामाजिक कार्य भी किए। ऐसे टीम को हमारा सलाम। सड़कें हैं सुनसान, हो गई है दुनिया वीरान। डर रहे हैं हम निकलने भी घर से बाहर, और वो डर रहे हैं घर जाने से और छूने से बच्चों। जोखिम में डाल अपनी जान, कर रहे हैं दिन रात एक, करने के लिए है रक्षा हमारी। कहा उन्हें आराम है, अपनी नींदें उड़ा दी, अपनी भूखे मिटा दी। इच्छाओं को त्याग कर सह कर दुख और बाधा, छिपा कर अपने दिल का दर्द, कर रहे हैं मानवता की सेवा। देश सेवा धन समझ कर रहे हैं लड़ कोरोना से, हौसले से अपने रहे हैं जिंदगी आप बचा। जान से खेल कर अपने लड़ रहे हैं जंग, कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में रहे हैं निभा महत्वपूर्ण भूमिका। करते हैं प्रकट हम सभी योद्धाओं का हृदय से आभार, नायकों के इस इरादे को सलाम, नायकों के इस इरादे को सलाम।